देश में इन दिनों लैटरल एंट्री पर बहस छिड़ गई है। एनडीए की सहयोगी एलजेपीआर भी इससे सहमत नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लैटरल योजना पर कहा कि सरकार के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष मैं इस बात को रखूंगा। मैं सरकार का अंग हूं, कई ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पर रखने में मैं समर्थ नहीं हूं। सरकार का अंग होने के नाते सरकार का संरक्षण करने की बड़ी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। अगर कहीं ऐसे विषय हैं जहां पर हर असहमति होती है, पर असहमति को दर्ज करने के लिए भी सरकार के भीतर मुझे एक मंच मुहैया कराया गया है, जहां पर अक्सर ऐसे विषयों को प्रमुखता से रखने का काम करता हूं। चिराग ने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं और मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर समर्पित हैं कि केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के जरिए कोई भी नियुक्ति निकलती है उसमें आरक्षण के प्रावधानों को देखना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक सरकारी क्षेत्र ही है जहां पर इसके प्रावधानों को आप लागू कर सकते हैं, अगर यहां पर भी लागू नहीं किया जाएगा तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। तो ऐसी कोई भी सरकारी नौकरी इसमें निकले उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाता है तो मेरी आपत्ति रहेगी। जैसे ही यह लैटरल एंट्री वाला मामला हम लोगों के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैं लगातार अलग अलग जगह पर कंसर्न अथॉरिटीज के सामने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा की। समय समय पर जो दस्तावेज हैं उनको बढ़िया करने की जरूरत पड़ी। पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी मैं भेजने का काम किया। अब क्या फैसला होगा वह चर्चा के बाद ही मैं आप लोगों के समक्ष रख सकता हूं। केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जिसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। आधे एक घंटे पहले ही इसको रद्द करने का फैसला हमारी सरकार के जरिए लिया गया है। अब इस पर पुनः चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो फैसला लिया जाएगा वह आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। जैसे ही ये लैटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा करने का उन्होंने काम किया। समय समय पर जो दस्तावेज भी उनको मुहैया कराने की जरूरत पड़ी पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी मैंने भेजने का काम किया। इस विश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री जी जब इस विषय की गंभीरता को समझेंगे और वो समझेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है हमेशा।